Welcome, my dear students. Fertilization and implantation in human being. This is the topic we are going to discuss. So, the very first figure here is a figure of mature egg which is released by the process of ovulation. So, this is a mature ovary. After ovulation, it releases first of all into the abdominal cavity, and therefore the fimbri present there at the upper surface of ovary receives the mature egg, which is actually ovulated by the ovary. So this is the structure A. You can say it is the day zero. Day zero means at a particular day when it is released, that is 14th day of any ideal menstrual cycle. Okay, so this is a mature egg. Have you remember that? What is a mature egg? In which stage of meiosis it will be arrested? Yes, exactly. Meiosis 2 के मेटाफेज पे ये अरेस्ट होता है, दैट इज मेटाफेज 2. इट ओनली प्रोसीड्स फर्दर मियोटिक कंप्लीट डिविजन व्हेन इट इज फर्टिलाइज्ड बाय द एग, दैट इज फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्मेटोजोआ, दैट इज मेल गैमेट. व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय द मेल गैमेट, देन फर्दर डिविजन ऑफ मियोसिस टेक्स प्लेस, अदरवाइज it will destroyed after 72 hours. Okay, so at this stage this egg is present at ampullar region and pushed somewhere at ampullar isthmic junction. This is ampullar isthmic junction. At day zero, it is pushed at ampullar isthmic junction, and at the ampullar isthmic junction, fertilization takes place. तो NEET का पहला क्वेश्चन यहाँ से मिलता है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन डे जीरो पे होगा. कब होगा? साइमल्टेनियस प्रोसेस से होगा. जब स्पर्मेटोजोआ और एग एक साथ रिलीज होंगे तभी पॉसिबल है फर्टिलाइजेशन. तीसरा क्वेश्चन नीट में जो बनता है, ये बोर्ड में भी आ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी सीएसआईआर के एग्जाम्स में भी आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे होता है. एम्पुलर इस्थमिक जंक्शन पे होता है. इज इट क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ठीक है. आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन, इफ पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो मियोसिस की आगे की प्रोसेस होगी. कैसे होगी इसको समझते हैं. सो मान लीजिए कि ये एग है जो डे जीरो पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे स्पर्म यानी मेल गैमेट भी पहुंच गए हैं. एक साथ में बहुत सारे मेल गैमेट पहुंचते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला मेल गैमेट एंटर करता है, उसके बाद ये बाहर की जो लेयर्स हैं जैसे कोरोना रेडिएटर, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है. जोना पैलेसूट एकदम टफ हो जाती है. इनहिबिन और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करने लगते हैं जो बाकी की एंट्री को, बाकी किसी भी स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करते हैं. बहुत सारे केमिकल चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ही टफ हो जाती है ये लेयर. इज इट क्लियर? सो व्हेन दिस हेड एंटर्स इनसाइड द ओटिड कैविटी, दैट इज सॉरी द सेकेंड, ये सेकेंडरी फॉर्म में अरेस्ट रहता है. तो जैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल के फॉर्म में ये अरेस्ट होता है, तो ये सेकेंडरी ओटिड के फॉर्म में स्टोर होता है, और जैसे ही हेड किसी भी पर्टिकुलर एक सिंगल स्पर्म का हेड एंटर करता है, और कैसे करता है ये मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि इसके हेड में एक्रोसोमल पोर्शन में हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स होते हैं जो इजीली इस वॉल को ब्रेक करते हैं और एंटर करते हैं.
बाकी पार्ट यानी टेल और उसके पीछे के सारे पार्ट, नेक पार्ट, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, केवल हेड रीजन एंटर करता है। और हेड रीजन के साथ इसमें सेंट्रियोल होता है। ये नीट का पर्टिकुलर क्वेश्चन है, सेंट्रियोल कहाँ पे है? तो सेंट्रियोल स्पर्म के पास है। स्पर्म डोनेट करेगा इस सेल को अपना सेंट्रियोल, जिससे कि फर्दर क्लीवेज पॉसिबल होगी। अब यहाँ पर ये मेटाफेज टू में अरेस्ट हो गई थी बॉडी। जैसे ही ये अंदर इंट्रोड्यूस होता है, वैसे ही ट्रिगर हो जाती है, और ये जो ऊटिट अभी तक अरेस्ट थी मेटाफेज टू में, वो फर्दर पूरी की पूरी मियोसिस कंप्लीट करती है और एक स्मॉलर सेल बनाती है। वो स्मॉलर सेल सेकेंडरी पोलर बॉडी होगी और एक कंप्लीट ऊटिड बनाएगी, जो बड़ी सेल होगी जो फर्टिलाइज्ड एग की तरफ बिहेव करेगी। तो सेकेंड पोलर बॉडी, दिस इज द सेकेंड पोलर बॉडी। और सेकेंड पोलर बॉडी जो बनेगी, तो ये क्रोमोसोम्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और सेकेंड पोलर बॉडी फर्दर एपोप्टोसिस के थ्रू इवेंचुअली डाई हो जाएगी और ये फिनिश हो जाएगा। ये प्रोसेस होने में 8 आवर्स, लगभग 6 to 8 आवर्स होंगे। अब इसका जो मेल न्यूक्लियस है वो यहाँ प्रेजेंट होगा, और फर्दर एक ये हो गया फीमेल न्यूक्लियस और ये हो गया मेल न्यूक्लियस, दैट इज फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, प्रो न्यूक्लियाई कह सकते हैं इन दोनों को। फिर इनमें फर्दर एक डिवीजन स्टार्ट होता है और ये अरेंज हो जाती है जाइगोटिक फॉर्म में, ठीक है। और ये कंप्लीट सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होती है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये 2n है, यानी जो जाइगोट बना उसके पास डिप्लॉइड कंटेंट है। तो आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइज होने के बाद एग में 46 क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फर्दर कोई और क्रोमोसोम बचता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे जो चेंजेस आते हैं, कोरोना, रेडिएटर, ये सब गायब हो जाते हैं। और लगभग 30 आवर्स, 30 घंटे के लिए एक रेस्ट फेज में ये जाता है, रेस्टिंग पीरियड में। उसके बाद इसमें पहली बार क्लीवेज होता है, और क्लीवेज की वजह से दो सेल बनते हैं, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। और क्लीवेज माइटोसिस की तरह होता है, लेकिन जो फर्दर डिवीजन होंगे उसको हम क्लीवेज कहते हैं माइटोसिस के बजाय, जबकि ये टिपिकल माइटोसिस की तरह होता है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो चेंज होते नहीं है। बट देर इज अ डिफरेंस पर्टिकुलरली क्लीवेज में और माइटोसिस में, डिफरेंस ये होता है कि जो क्लीवेज में सेल डिवाइड करती है उसमें उसका मास सेम रहता है, वो नहीं बढ़ता, उसकी साइज भी नहीं बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, मास और साइज नहीं बढ़ता है, यानी सेल छोटे बनते हैं लेकिन ओवरऑल मास सेम रहता है, ठीक है। और ये बहुत फास्टर रेट पे होता है नॉर्मल माइटोसिस के कंपेयर में। माइटोसिस में एक इंटरफेज आता है जो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, उस इंटरफेज में G1, S और G2 फेज होते हैं। जबकि क्लीवेज के पैटर्न में चेक किया गया, ओ हर्टविंग और थियोडोर बावेरी और बहुत सारे लोगों ने बहुत स्टडीज़ की, बहुत रिसर्च आर्टिकल्स दिए, और बाद में तो अब ये 100% प्रूव्ड फिनोमेना है कि क्लीवेज के ड्यूरेशन में गैप वन फेज और गैप टू फेज, जो कि काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लगभग 8 से 10 घंटे ये ड्यूरेशन का होता है, 8 to 10 hours, सो दीज टू फेजेज आर एबसेंट ऑल टूगेदर। एम फेज एंड इनसाइड द इंटरफेज ओनली एस फेज इज अवेलेबल। देयरफॉर एट एवरी 12 hours आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज, आफ्टर 12 hours, एट एवरी 12 hours स्पेसिफिक क्लीवेज टेक्स प्लेस। और ह्यूमन बींग में जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है, यानी एक बार में पूरी की पूरी मास डिवाइड होती है 2 times, ठीक है। यानी जब एक जाइगोट दो ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हुआ, जब ये दो सेल में कन्वर्ट हुई होगी, अब वो दोनों एक साथ डिवाइड हुए और 4 में कन्वर्ट हुए, फिर 4 हुए वो पूरी की पूरी मास 8 में कन्वर्ट हुए। तो होलोब्लास्टिक, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस एस्पेक्ट है, यहाँ पे आपको यही समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कि day 0 से ले करके, और ये एंडोमेट्रियम की वॉल में अपने आप को सूटेबल कैसे करें,
इस पैटर्न को समझते हैं. सो दिस इज जो अभी आपने पढ़ा ये था फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो प्रोसेस होगी इम्प्लांटेशन की, प्रिपरेशन की. और पर्टिकुलरली जब अपने आपको ये इंडोमेट्रियम की वॉल पे सेट करते हैं दिस इज इम्प्लांटेशन. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर ए है इसको यहाँ मैंने बड़ा कर लिया. ए और बी की फिनोमिना ये डे जीरो पे होने वाली फिनोमिना है. डे जीरो मीन्स उसी दिन जिस दिन एग रिलीज हुआ और स्पर्म पहुंचा. ये प्रोसेस बिल्कुल साइमल्टेनियस होनी चाहिए. सो एनसीईआरटी में इसीलिए साफ साफ लिखा है कि हर सेक्सुअल कोइटस फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट फर्टिलाइज एग को फर्टिलाइज नहीं करता है. इसीलिए क्यों, क्योंकि ये बहुत ही साइमल्टेनियस फिनोमिना है. कोइटस के समय अगर एग रिलीज होता और साइमल्टेनियसली एग एम्पुलर रीजन में, एम्पुलर स्थमिक रीजन में पहुंचता और उसी टाइम अगर स्पर्म पहुंचता है तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, तो ये डे जीरो पे होने वाले फिनोमिना है. क्या होता है कि एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद स्पर्म पहुंचा, स्पर्म में अपना न्यूक्लियस डिनोट किया, साथ में डोनेट कर, न्यूक्लियस डोनेट करने के साथ साथ उसने सेंट्रियोल भी डोनेट किया, न्यूक्लियस के साथ सेंट्रियोल भी डोनेट किया. इसके बाद ये हो गया सेंट्रियोल नीचे और ये हो गए दोनों के न्यूक्लियाई, ये हो गया फीमेल मेल न्यूक्लिया, ये हो गया फीमेल न्यूक्लिया. अब इसके बाद ये दोनों एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस की तरह बिहेव करते हैं, कंप्लीट न्यूक्लियस की तरह, और ऊपर सेंट्रियोल हो गया. नाउ दिस इज जाइगोट विच इज डिप्लॉयड. ठीक है, जाइगोट सिंपल में इसे फर्टिलाइज्ड एग भी कहा जाता है एंड दिस इज जाइगोट आल्सो. सो डे जीरो में ये फिनोमेना कंप्लीट हुई. आफ्टर डे जीरो व्हाट हैपेंस कि लगभग 28 टू 30 आवर्स के बाद एक क्लीवेज स्टार्ट होता है, यानी डिवीजन स्टार्ट होता है. इसमें सेंट्रियोल्स अपने अपोजिट पोल में मूव करना शुरू करते हैं और डे वन में क्या होगा, डे वन मतलब आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो ये लगभग टाइम जो ड्यूरेशन होता है 28 टू 30 आवर्स पहला क्लीवेज. उसके बाद तो ये बहुत फास्टर रेट पे डिवाइड करते हैं, पहली बार जो क्लीवेज होगा. तो डे वन के एंड पे एक क्लीवेज होगा और इससे दो सेल बनेंगे, दो कंप्लीट सेल बन गए. ठीक है, नाउ दीज आर ब्लास्टोमियर्स, दीज आर ब्लास्टोमियर्स. और ये जो सी वाला स्ट्रक्चर है इसको शो कर रहा है, यानी ये हो गया आपका डे वन. ये एनसीईआरटी बुक के पैटर्न में ऐसे बनाया हुआ है, मैं आपको साथ में समझाते हुए चलता हूं. सो डे वन में पहला क्लीवेज हुआ, इसके बाद ये जो पहला क्लीवेज हुआ इसके बाद हर 12 घंटे यानी हर 12 आवर्स पे ये रिपीटेड क्लीवेज होता रहता है. एंड एट द एंड ऑफ 3 to 4 डेज मास ऑफ 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्म. लगभग ये जो ई वाली कंडीशन है, ठीक है, ये 8 सेल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. तो 8 टू और नेक्स्ट डिवीजन होगा तो 16 सेल्ड हो जाएगा. तो 8 टू 16. अब ये जो डी और सी की फिनोमिना ये 12 घंटे पे, 12 दूनी 24 घंटे होते हैं, तो यानी 2 to 3 दिन बाद या 3 to 4 डेज में ये पर्टिकुलरली 16 सेल्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं. सो द स्ट्रक्चर ऑफ ई एंड एफ, सो ये डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, इनको मोरूला कहा जाता है. तो स्ट्रक्चर सी और डी जो कि डे 3 या 4 तक कंप्लीट बन ही जाते हैं, 4 डेज से ज़्यादा इसमें टाइम लगता ही नहीं है, और ऐसे में ये 8 सेल्ड टू 16 सेल्ड हो जाते हैं. ठीक है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड मोरूला. मोरूला मलबेरी स्ट्रक्चर, मतलब शहतूत की तरह दिखता है, तो मोरूला का मतलब होता है मलबेरी, तो उसके जैसा दिखता है इसलिए इसको मोरूला स्टेज कहते हैं. ये डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है. और इसके बाद यानी एफ स्टेज,
जब यहाँ पे 16 सेल हो जाती है, इसके बाद फिर डिवाइड होगा तो 32 सेल होगी, लेकिन साथ में कैविटी का डेवलपमेंट होता है, एक कैविटी का डेवलपमेंट होता है जो कि स्ट्रक्चर जी में आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसा होने में लगभग 6 to 7 डेज का टाइम लग जाता है, ठीक है। यानी जो कैविटी की डेवलपमेंट है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अब सेल्स को अरेंज होना है पर्टिकुलरली। तो जी स्ट्रक्चर एक इस तरह के अरेंजमेंट में होता है कि पेरिफेरी पे सेल अरेंज हो जाते हैं, और ये 32 to 64 सेल स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर एक मास डेवलप होता है, दूसरी तरफ कैविटी डेवलप होती है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, और दूसरे एनिमल्स में इसको ब्लास्टूला भी कहते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन बींग में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये जो बाहर की लेयर्स आपको इसमें देखने को मिलती है, इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर बनती है, साथ में अभी तो ये सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रही है। ट्रोफोब्लास्ट ही फ्यूचर में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप करेगा, और फिर बाद में तो एम्ब्लिकल कॉर्ड वगैरह बन जाएंगे, वो फर्दर डेवलपमेंट की बात है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि यहाँ पे जो सेल बनती है इसको आप इनर मास सेल कहते हैं, बाहर वाली लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर होती है इनर मास सेल, ठीक है। इनर मास सेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करती है, और ट्रोफोब्लास्ट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब तक कि फर्दर और डेवलपमेंट ना हो जाए। अब यहाँ पे ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसी कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है, इसी कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता ट्रोफोब्लास्ट की लेयर पे, और ये एंडोमेट्रियम की वॉल पे स्पेसिफिक साइट होते हैं, और ये रोटेट करता है, एक तरह से रोल करते हुए जाता है, और जब अपनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे कि सेल सिग्नलिंग के थ्रू ये पता चलता है कि दिस इज द पर्टिकुलर लोकेशन, तो वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, ब्लास्टूला थोड़ी देर के लिए रुकता है, और उसके बाद एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ इसका एक सेल सिग्नलिंग होता है। एंडोमेट्रियम की वॉल, ये जो एच स्ट्रक्चर है, ये इम्प्लांट हो रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल बर्स्ट करती है, और फिर इसको बहुत जल्दी से 14 to 15 आवर्स में इसके ऊपर एक कवरिंग बनाती है, एक पूरी लेयर की कवरिंग बनाती है, ठीक है, और इस तरह से इसके ऊपर से इसको कवर कर लेती है। यहाँ से कुछ सेल की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इस तरह से इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। कैन यू ज़ूम दिस, ओके, से दिस, ओके। तो यहाँ पे जो एच स्ट्रक्चर है ये ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन को दिखा रहा है, मैंने बताया जो अभी स्ट्रक्चर। अब ये जब एक बार अटैच हो जाता है, इसके बाद ये थोड़ा सा रेस्ट करता है, और इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, फिर 3 लेयर्स बनती हैं, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज आस्क मी, और मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगा। और यहाँ तक पहुँचने में, यानी इम्प्लांटेशन होने में लगभग 8 to 9 डेज का टाइम लग गया, लगभग 8 to 9 डेज इम्प्लांट होने तक की प्रोसेस में। तो डे 0 से स्टार्ट किया और डे 9 तक ये इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। थैंक यू वेरी मच।